हाय, वेलकम बैक टू रिशन इंटीरियर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेडरूम लेआउट्स के बारे में। अगर आप अपने बेडरूम को रिनोवेट करने की सोच रहे हैं, या आप एक इंटीरियर स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं, तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें। बेडरूम लेआउट का वैसे तो कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, ना ही इंटीरियर डिज़ाइनर्स बेडरूम डिज़ाइन करने से पहले ऐसा कोई लेआउट टाइप माइंड में रखते हैं। बट बेडरूम डिज़ाइनिंग को ईजियर बनाने के लिए एज पर आवर एक्सपीरियंस हमने 5 तरह के बेस्ट बेडरूम लेआउट डिसाइड किए हैं। इन बेडरूम लेआउट आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपने बेडरूम में ईजीली फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिमेट्रिक लेआउट। सिमेट्रिक लेआउट में वॉल के सेंटर में बेड प्लेस करके बेड के दोनों तरफ साइड टेबल रखते हैं। इससे रूम में चारों तरफ मूवमेंट स्पेस मिलता है, साथ ही रूम को एक सिमेट्रिक लुक भी मिलता है। इस टाइप के लेआउट में बेडशीट अरेंज करना भी इजी होता है। बेड के सामने वाली वॉल पे वार्डरोब एंड टीवी प्लेस कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन लेआउट माना जाता है। अगर आपका रूम लंबा है और विड्थ कम है तो इस तरीके का लेआउट आप बना सकते हैं। एल शेप्ड बेडरूम लेआउट। इस तरह के बेडरूम लेआउट में बेड को कॉर्नर में प्लेस करके वन साइड टेबल को ओमिट कर सकते हैं। बेड की दूसरी तरफ साइड टेबल और उससे कनेक्टेड वार्डरोब प्लेस करें। बेड के फ्रंट में टीवी प्लेस करें, जिससे आप एक शू कैबिनेट के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपका बेडरूम स्क्वेयरिश है और बेड के फ्रंट में वार्डरोब बनाने की स्पेस नहीं है, तो आप ये लेआउट प्लान कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम लेआउट विद वॉक इन क्लोजेट। इस तरह के लेआउट में बेडरूम के दोनों तरफ साइड टेबल्स प्लेस की जाती हैं, बट जरूरी नहीं है कि बेडरूम के सेंटर में प्लेस किया जाए या सिमेट्रिक लेआउट की तरह दोनों तरफ सिमिलर ट्रीटमेंट किया जाए। बेड विद साइड टेबल्स एक वॉल पे प्लेस करके आप दूसरी वॉल के अलोंग सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। बेड के एक तरफ वर्टिकल बुकशेल्फ के राइटिंग डेस्क अरेंज करें। अगर आपका रूम थोड़ा छोटा है और राइटिंग डेस्क के लिए स्पेस ना हो, तो एक साइड टेबल को राइटिंग डेस्क में कन्वर्ट कर लें। वॉक इन क्लोजेट में स्टोरेज और ड्रेसिंग टेबल अरेंज करें। बेड की फ्रंट वॉल में टीवी यूनिट प्लेस करें। होटल टाइप लेआउट। होटल्स में आपने देखा होगा कि लग्जरियस बेड्स के साथ साथ स्मॉल वार्डरोब, टीवी यूनिट, ड्रेसिंग, सीटिंग सब कुछ अरेंज किया हुआ होता है, तो उसी तरीके से हम ऐसा एक लेआउट बना सकते हैं। होटल टाइप लेआउट बनाने के लिए आप एंट्रेंस में वार्डरोब प्लेस कर लें, बेड के सामने एक काउच प्लेस करें और बेड की फ्रंट वॉल में टीवी यूनिट के साथ ही राइटिंग डेस्क, शू रैक और एक मिरर लगा के ड्रेसिंग यूनिट बना सकते हैं। अगर एंट्रेंस में वार्डरोब प्लेस करने की जगह नहीं हो, तो इसी वॉल पे एक स्मॉल वार्डरोब भी प्लेस की जा सकती है। अगर आपके रूम का शेप एल शेप्ड है, तो आप इस लेआउट को फॉलो कर सकते हैं।
सेक्शनल लेआउट। बड़े बेडरूम्स के लिए इस तरह का लेआउट बनाया जाता है जिसमें रूम को दो इमेजिनरी सेक्शन में बांटा जाता है। रूम के एंट्रेंस में एक सिटिंग नूक या एंटरटेनमेंट नूक बनाया जाता है जिसमें टीवी और स्मॉल लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हैं। इस एरिया में आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। रूम के अंदर वाले सेक्शन में बेड विद साइड टेबल्स प्लेस करें। अगर आपके रूम में अटैच्ड वॉक इन क्लोजेट नहीं है तो वार्डरोब और ड्रेसिंग भी इसी सेक्शन में ऐड करें। आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर कर्टन या रूम डिवाइडर की मदद से रूम को दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। बड़े रूम्स के लिए आप इस तरह के का लेआउट प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम को मल्टीपर्पज रूम की तरह यूज करना चाहते हैं तो भी सेक्शनल बेडरूम लेआउट बेस्ट ऑप्शन है। बेडरूम लेआउट के 5 बेसिक लेआउट प्लान्स के बारे में हमने आपको बताया है, बट रूम के साइज और शेप और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आप बेडरूम लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। बट अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपके बेडरूम के लिए कौन सा लेआउट बेस्ट रहेगा तो आप राइट वाला वीडियो जरूर देखें। किचन लेआउट्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है।